हाथरस में नेशनल हाईवे 93 पर केवल गाड़ी के पास अनियंत्रित ट्रक ने दून पब्लिक स्कूल की स्कूल वैन को टक्कर मार दी, जिसमें 9 बच्चे सवार थे। दुर्घटना के तुरंत बाद घायल बच्चों को पास ही के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल प्रबंधन ने एक्सीडेंटल होने की वजह से एडमिट नहीं किया और देरी के चलते बच्चे की जान नहीं बच पाई। इस पूरी संवेदनहीनता के सवाल पर उप जिला अधिकारी हाथरस ने ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की बात कही है। ये दून स्कूल के बच्चे पढ़ाई करने के बाद अपने घर जा रहे थे, एक वैन में एक्सीडेंट हो गया है चंपा और विसाना के बीच में, और उसमें एक बच्चे चेतन की मौत हो गई है और 2 घायल हैं। कुल 9 बच्चे थे उसमें वैन में, बाकी सुरक्षित हैं और उनके घर पहुँचा दिया गया। ये बता तो रहे हैं लोग और मालूम पड़ा है, तो उन हॉस्पिटल्स के विरुद्ध इनके रिपोर्ट लेके कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया गया। क्या नाम है आपका? संदीप सिंह। अच्छा, आप दून पब्लिक में किस पद पर हैं? मैं एडमिन ऑफिसर की पोस्ट। अच्छा, तो क्या इस घटना के बारे में जरा क्या जानकारी है? इस घटना के बारे में मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मेरे TI से मेरी बात चल रही थी, जब ये फोन आया कि वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। तो वहाँ से हम लोग 4-5 गाड़ियाँ लेके हम लोग वहाँ से निकल लिए। जब हम जगह पर घटनास्थल पर पहुँचे तो मैंने देखा हमारे 4 बच्चे थोड़े से खून वून में थे। मैंने वहाँ जाके पूछा कि हुआ क्या है, तो मुझे एक बंदे ने बताया कि सर इस टैंकर की सारी गलती थी, टैंकर ने साइड से गाड़ी में मारा है, बहुत तेज़ी से टैंकर आ रहा है। सर कितने बच्चे थे उस गाड़ी में? सर 7 बच्चे थे। अच्छा, तो क्या एक बच्चे की मौके पर? नहीं, मौके पर नहीं, वहाँ पर मुझे जैसे लोगों ने बताया कि वहाँ से 2 लोग उस बच्चे को लेके हाथरस की तरफ आ गए थे, और वहाँ से उन्होंने बताया प्रेम रघु में लेके गए। मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पता लगा कि वहाँ नहीं है। ऐसे पूछते पूछते मैं बांग्ला हॉस्पिटल पहुँचा, वहाँ मुझे बच्चा मिला। अच्छा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्सीडेंटल केस नहीं लिया गया? जैसा उन लोगों ने बताया यही था कि नहीं लिया।